अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में आपके साथ शेयर करूंगी चनों की दाल की रेसिपी, कैसे मसाला भून के कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हम यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्याली चनों की दाल, इसे अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। इसको बॉईल करने के लिए मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक और 1 जग पानी का इस्तेमाल करूंगी। पहले हम इसे बॉईल करेंगे, बाद में मसाला भून के हम उसमें उसे ऐड कर देंगे। मसाले हमें इसमें चाहिए 1 बड़े साइज़ की प्याज, 6 अदद हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। उसके अलावा 1 कप कुकिंग ऑयल। पतीले के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। दाल को एक दफ़ा मैंने पानी से धो लिया था, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दाल ऐड करने के साथ हम पानी ऐड कर देंगे। और 1/2 टीस्पून नमक, जो मैंने आपको पहले बताया था दाल को बॉईल करने के लिए इस्तेमाल करना है। अब हम इसे कवर करके रख देंगे अच्छी तरह बॉईल होने के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। दाल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गलने के लिए रखा था। दाल हमारी हम चेक कर लेते हैं गल गई है कि नहीं। ये देखें, फिंगर्स की मदद से आप चेक कर लें, दाल हमारी गल के तैयार है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। नॉनस्टिक कढ़ाई के नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। इसके अंदर सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज ऐड करते एक दफ़ा हम इसे मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे लाइट ब्राउन कलर दे देंगे। लाइट ब्राउन कलर हमने दे दिया प्याज को, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लो फ्लेम पे इसे कवर करके रख देंगे हम, ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैंने कवर करके रख दिया था। मसाला हमारा तकरीबन भुन के तैयार है। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। स्पाइसेस की, उसके अलावा जो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करते हैं उनकी क्वांटिटी अगर हम इक्वल रखें तो हमारी रेसिपी ऑटोमेटिकली मज़ेदार बन जाती है। इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम कवर करके रख देंगे। 10 मिनट के लिए इसे मैंने लो मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था कवर करके। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारी दाल बनके तैयार है। अगर आप इसे बिल्कुल खुश्क रखना चाहते हैं तो आप इसको कवर ना करें और हाई फ्लेम करके इसका पानी आप ड्राई कर लें, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है इसलिए मैंने ऐसे बनाई है। इसके ऊपर फ्लेम हम इसके नीचे बंद कर देंगे। इसके ऊपर अब हम थोड़ी कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसे फ़ौरन से कवर करके रख देंगे बस कुछ सेकेंड के लिए, और फिर अब मैं इसे बाउल में निकाल लूँगी। मज़ेदार चने की दाल की रेसिपी बनके तैयार है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गार्निश करने के लिए धनिया के पत्ते ऐड करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें।
अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।